नमस्कार, आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं इस मॉनिटर का रिव्यू। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है चलो मॉनिटर तो भैया ने ले लिया, अब ये का डब्बा रखे ने साथ में, तो भैया कौनों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉनिटर के लिए स्टैंड है। अब आप कहोगे क्या इसके साथ स्टैंड नहीं आता? अरे बिल्कुल आता है, लेकिन हमको क्या करना था कि हमारे पास ऑलरेडी एक ठो मॉनिटर है बड़ा वाला, तो हमको चाहिए था कि भाई जो प्रोडक्टिविटी होती है जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार ज़रूरत फील होती है कि काश कि एक और मॉनिटर होता तो यार थोड़ा काम और इजी हो जाता। तो बस उस काश के लिए हमने ये मॉनिटर लिया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बट मैं इसको एज ए इंडिविजुअल रिव्यू करूँगा और ये भी बताऊँगा कि मैंने IPS मॉडल क्यों लिया है। और ये जो स्टैंड है इससे बेसिकली दो मॉनिटर्स आर्म की तरह होता है, जैसे ये हमारे हाथ है ना, सेम ऐसा दिखेगा खुलने के बाद। एक मॉनिटर इधर लग जाएगा, एक मॉनिटर इधर लग जाएगा, तो नीचे से सब स्टैंड हट जाएंगे और मस्त कपड़ा मार के हम अपनी टेबल साफ कर सकेंगे। ये इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों मॉनिटर को एकदम नज़दीक इक्वल आई लेवल पे करने के लिए बड़ा इजी हो जाता है इससे। और जो स्टैंड इनके साथ आते हैं उनको, अब टेबल हमारी जैसे मान लीजिए ये टेबल जिस पे सामान रखा है, तो अब मैं इसके ऊपर अगर मॉनिटर लगाऊंगा तो उसकी एक फिक्स हाइट होगी, हाइट को मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे बैठा हूं तो या तो मॉनिटर मेरे लिए नीचे हो जाएगा तो मुझे झुक के काम करना पड़ेगा, अब झुक के काम करूंगा तो मेरी कमर में दर्द होगा। तो मुझे अगर सीधे बैठ के ढंग से काम करना है तो मेरे को आई लेवल पे मॉनिटर चाहिए। तो उसके लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों का काम कंप्यूटर मॉनिटर्स पे ज़्यादा देर तक बैठने का है। मेन मोटिव सेहत है, और उसके लिए अगर हम अच्छा खाना खा सकते हैं तो अपनी आँखों के लिए भी हमको इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका वीडियो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा हूं इसका वीडियो। तो ये है भैया मॉनिटर, जो कि है 21.5 इंचेस का। इसका मॉडल नंबर है EK220Q। जो इसका रिजोल्यूशन है वो है फुल HD 1080। फिर ये IPS है और ये AMD फ्री सिंक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड का VRB, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है Acer विजन के। मैं जब भी किसी मॉनिटर के बारे में बताता हूँ तो मैं वहाँ पर बताता ही हूँ कि उसका टेम्परेचर कौन सी तरफ रखना चाहिए, वार्म साइड पे टेम्परेचर का होना चाहिए मॉनिटर का, यानी कि जहाँ पे हल्की सी येलोइश टोन आती है वो वाली टोन की तरफ। तो भैया अब इसको खोल लेते हैं। अभी देखा गया तो मक्खन की तरह बाहर आ गया। मॉनिटर कहाँ है भैया, ये क्या है? अच्छा ये स्टैंड है। ओहो, HDMI केबल भी दी है। क्या बात है, मॉनिटर के लिए ये अडॉप्टर दिया है। दुनिया कब बदल गई हमको पता ही नहीं चला। हमने आज तक जितने भी मॉनिटर लिए उसमें वो मोटा वाला जो केबल लगता है ना, 3-पिन वाला, वो ही लग के आता है। ये अडॉप्टर वाला मॉनिटर है, छोटा है शायद, इसलिए मे बी इस तरीके से इन्होंने इसे डिज़ाइन किया होगा। और ये स्टैंड का ही एक पार्ट है। मॉनिटर जो है वो उल्टा रखा है तो वो नीचे की तरफ है, तो वो थर्माकोल में ही है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे टेबल पे टच कर रहा है, बीच में थर्माकोल दिया है, तो ये अच्छी चीज़ है। पैकेजिंग में मैं इसको 100 में 100 मार्क देता हूँ। बहुत सारी टेप वेप लगी हुई है चारों तरफ। इसको सबसे पहले तो हम लगाते हैं स्टैंड में। स्टैंड में लगाने के लिए पहले तो स्टैंड को रेडी करना होगा, और उसके बाद मॉनिटर को हम उसमें ऊपर से लगाएंगे। ये निकला स्टैंड का बेस। इस बेस को हम रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर अब ये लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आराम से इसको कोई भी लगा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा करवाओ कि भाई मॉनिटर आके लगा दो, हमने ख़रीदा है। ये इसमें इजीली फिट हो जाएगा और ये हो गया फिट। इसके बाद ये मॉनिटर को उठा के इसके ऊपर आराम से रख सकते हैं। यहाँ पीछे की तरफ मॉनिटर में तो ये सॉकेट दिया है यहाँ पे, तो मॉनिटर में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अडॉप्टर लगेगा जो कि पावर के लिए रहेगा, और यहाँ से HDMI कनेक्शन कर सकते हैं। और ये हमारा VGA 12 वोल्ट 2 एम्पियर से चलता है, इनकेस कि कभी ये अडॉप्टर ख़राब हो जाए या हो जाए तो वो हम नया लें तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का होना ज़रूरी है, ब्रांड चाहे जो भी हो। देखने में तो काफ़ी सॉलिड मजबूत है, और जो इसका प्लास्टिक का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये पावर का बटन यहाँ पे दिया गया है, पावर का बटन वाइट कलर का, शायद इसमें लाइट जलती होगी, और तो कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे कुछ ताला चाबी दी गई है, बाकी तो यहाँ पर जो मैं माउंट करने वाला हूँ जो आम मैंने बताया वो यहाँ लगेगा, वो यहाँ स्टैंड में नहीं लगेगा, तो वो जब करेंगे तब की तब। फिलहाल इसको भी मैं यहाँ पर इसमें लगाता हूँ। तो अब इसको ऐसे उठाना है और इसको धीरे से इस तरह से यहाँ पर लगा देना है।
तो ये एक खट करके आवाज़ आएगी और ये लग जाएगा। ये है हमारा मॉनिटर, मस्त रेडी हो गया है। और मैं मॉनिटर के पीछे से कैसा अलग सा दिख रहा हूँ, आप मुझे मत देखो, मॉनिटर को देखो। तो इसको अभी पावर ऑन करते हैं, ऐसे तो क्या ही समझ में आएगा क्या है ये। तो पावर के लिए जो ये पीछे होल दिया है, इसमें मैं लगा देता हूँ पावर को। पावर तो लग गई भैया। अभी पीछे जो है कि कोनो लाइट वाइट तो दिख नहीं रही है, ऑन करके देखते हैं शायद लाइट आए। आई लाइक इट। तो ये जो है पावर की लाइट यहाँ पे खूब बढ़िया चमक रही है। तो इसका मतलब ये है कि भैया पावर तो इसमें आ गई है, और इसके ऊपर जो मैंने लाइटिंग वाइटिंग की हुई है रूम में, वो सब बढ़िया रिफ्लेक्शन दे रही है अपना। देखिए मेरी शैडो पड़ रही है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है केबल नॉट कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये है इसको कनेक्शन तो दो, पावर तो आ गई है, स्क्रीन तो चालू हो गई है। तो चलिए केबल से कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप, और इस लैपटॉप से अभी हम इसको देंगे कनेक्शन। केबल की क्वालिटी जनरली इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि मैं इस वक्त हाथ में लेके फील कर रहा हूँ। इसमें जो चीज़ अच्छी लगी मुझको खास तौर पे, वो ये कि जो इसमें ये कैप लगाया हुआ है, तो जैसे कि मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हैं, ये कैप बड़ा संभाल के रखना चाहिए कि अगर हम केबल को यूज़ में नहीं ले रहे हैं और कहीं हम रख दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये कैप जो है इसको लगा के रखें, तो जो इसके अंदर का जो मेटल होता है वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि इस पर रस्टिंग आ जाती है। तो ये केबल तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास केबल होगी। ये केबल लग गई है मॉनिटर पीछे, अब हम इसको लगा रहे हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में भी लग गई है। मॉनिटर थोड़ा सा मैं कुछ टिल्ट, हाँ ये मॉनिटर टिल्ट अप टिल्ट डाउन होता है, देखिए लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन इसमें हम देख सकते हैं आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम चेक करते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है मॉनिटर में करंट आ गया, सब कुछ है, मगर डिस्प्ले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, वो तो आना चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जब कोई चीज़ घर में आए ना नई की नई, और उसको हम जब खोल के अनपैक करके, और जब जैसे कि मॉनिटर है या टीवी होता है, तो हम उसको जब चला के देखते हैं, तो एकदम जब पूरा भरा हुआ स्क्रीन दिखाई देता है ना, तब बड़ा मज़ा आता है एकदम कि हाँ भैया चीज़ जो है चल तो रही है हमारी। अब बाकी की टेस्टिंग, टेस्टिंग्स याद है अगर मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट मॉनिटर हो या टीवी हो उसको लें, तो सबसे पहले क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग कैसे करनी है, अब मैं वो टेस्टिंग करूंगा, और उसके बाद जो भी बेसिक चीज़ें होंगी उस टेस्टिंग के बाद बताऊंगा। कलर्स वगैरह काफ़ी एक्यूरेट दिख रहे हैं, डिस्प्ले भी मुझे पूरा का पूरा एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत लग नहीं रही है इसमें। बाकी तो अभी टेस्टिंग पर पता चल ही जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए मैं अभी फिलहाल पूरे रूम में अंधेरा कर देता हूँ। तो बेसिकली जो सबसे पहला टेस्ट जो हमें करना चाहिए मॉनिटर खरीदने के बाद, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहां जा करके देख सकते हो। ये यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है, ये हम चलाएंगे टेस्ट करने के लिए। ये अभी क्लोन हो रहा है डिस्प्ले हमारा, तो ये अभी हमने यहाँ पर शो ओनली टू, अब यहाँ पर मैं वो वीडियो आप लोगों को चलाता हूँ और बताता हूँ। तो अभी जब ये प्ले होता है ना, तो देखिए ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हल्का सा एक लाइट ब्लीड हो रही है, तो ये चेक करके पता चलता है। अभी ये मॉनिटर को मैं यहाँ पर रिटर्न में डालूंगा, क्योंकि ये मुझे लाइट ब्लीडिंग दिख रही है। यहाँ पर एक ये इशू देखने को मिला, दूसरा और कहीं भी मॉनिटर पे मेरे को कोई इशू देखने को नहीं लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। यहाँ पर ये इसका जो टेप लगा है वही दिख रहा है, बाकी तो इसमें कोई इशू मुझे सच दिख नहीं रहा है। ये तो अभी मैं इसको रिप्लेसमेंट में डालूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे इस तरीके की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल सही चीज़ चाहिए। और अगर आप लोग भी कोई चीज़ खरीदते हो उसे टेस्टिंग करो, और अगर वो इस तरीके से कोई इशू निकलता है तो उसको रिटर्न के लिए डालो। तो अभी मैं इसको रिटर्न में डालूंगा, और अगर दूसरा पीस भी सेम इसी तरीके का आया तो फिर उसको भी रिटर्न में डालूंगा। जितनी बार भी मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं जब तक ये पूरा सोल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा, मैं इसको रिटर्न करता रहूँगा। बहरहाल अभी इस मॉनिटर में, जैसा कि मैंने कहा था कि IPS मॉनिटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि IPS मॉनिटर कैसा होता है कि व्यूइंग एंगल्स जो होते हैं मॉनिटर के, वो थोड़ा सा भी, अब मैं इसको जिस एंगल पे इस वक्त मैं बैठा हूँ कैमरे से थोड़ा लेफ्ट साइड में, यहाँ से भी देख रहा हूँ तो भी एकदम चीज़ें काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन दिख रही हैं। अब क्योंकि मैंने ये सेकेंडरी मॉनिटर की तरह इसको लिया है, तो जहाँ बैठ के मैं काम करने वाला हूँ वहाँ से ये लगभग लगभग 1 फिट दूरी पर होगा, तो मैं इसकी तरफ जब देखूँ तो ये थोड़ा सा, मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर टिल्ट करूँ घुमाऊँ, तो ये घुमाने पर भी चीज़ें इसकी जो है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहने वाली हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। और जितना भी कलर्स वगैरह जो इसके अंदर होंगे वो सब मुझे एकदम नीट एंड क्लीन दिखने वाले हैं, तो इसलिए स्पेशली मैंने इसको लिया है, क्योंकि इसका जो
व्यूइंग एंगल जो होता है, मेन रीज़न आईपीएस का वही होता है कि लोग बाग इसीलिए उसे प्रेफर करते हैं कि किसी भी थोड़ा डिस्टेंस से भी अगर देखें तो हमको चीज़ें नीट एंड क्लीन देखने को मिले। इसमें स्पीकर नहीं दिया गया है, मेन इंपॉर्टेंटली जो मुझे आप लोग को बताना है कि इसमें कोई स्पीकर वगैरह नहीं दिया गया है। तो अब जैसे हमने पावर का बटन दबाया तो यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स वगैरह जो भी मॉनिटर के हैं हमको वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखा है पिक्चर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। आप सबका अपना अलग अलग अपने हिसाब से सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैं जो बता रहा था कि जो मैं रखता हूँ वो क्या है, वो है आप जैसे इसमें क्या दिया है, कलर टेम्परेचर वार्म, तो ये वार्म की तरफ ही इसको मैं रखता हूँ और यही एडवाइस भी दूंगा आप लोगों को कि आप यही रखें। गामा 2.2 ठीक है। फिर इसके अंदर ये ब्लू लाइट जो दी गई है ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा हो गया, 1-2 भी ज़्यादा है, 3 भी ज़्यादा है, 4 भी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ही ठीक है, स्टैंडर्ड पे ही रखना ही ठीक रहेगा। अदरवाइज कलर्स वगैरह कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे और वो प्रेफरेबल नहीं है, तो स्टैंडर्ड ठीक है। इसका ब्लैक बूस्ट करने के लिए ये बेसिकली इसको तो मैं जितना कम हो सके वो रखना चाहूँगा, तो ये मैं इसको 0 पे रखूँगा। शार्पनेस बंद रखनी है, ACM वगैरह ये सब बंद रखना है। बाकी ये कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का जो रेशियो है, जब मैं दो मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर डेफिनेटली मुझे उस मॉनिटर के साथ इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर टोन वगैरह मैच करानी होगी। मगर एज एन इंडिविजुअल अगर आप इसको ले रहे हो और वहाँ पर अगर इसको आपको जिसकी कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को चेंज करना है, तो अगर आप डार्क रूम में काम करते हो तो दोनों ही चीज़ें 50-50% पे मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली। आप चाहो तो अपने हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, ये स्क्रीन की जो हमारे सामने इसका जो मेन्यू खुल गया है इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये सब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर ये OSD लॉक, इसका लॉक है ये स्क्रीन का कि कोई इस पर छिड़कानी ना कर सके। अगर घर में बच्चे अच्छे हैं, कुछ तानी दानी करते हैं तो यहाँ पे हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो अभी OSD लॉक्ड हो गया। तो अब जैसे कि ये लॉक हो गया तो इसको अनलॉक करने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड तक बटन को दबा के होल्ड करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो 5 सेकंड तक इसको अनलॉक दबा कर रखने को बोला था, लेकिन मेरे को शायद 8-10 सेकंड लग गए और एक दो बार स्किप भी हुआ तो दोबारा से इसको किया मैंने तो खुल गया। इसे अवॉइड ही करें। अभी यहाँ पर ये सब बता रहा है कि भाई हमारा जो इन्फॉर्मेशन की इनपुट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये 60 हर्ट्ज जो हमारे लैपटॉप से निकल रहा है वो 60 हर्ट्ज है। वैसे ये मॉनिटर 100 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कि अभी 60 हर्ट्ज पे, तो यहाँ पर अगर हम सेटिंग्स में जाएँ और देखें तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 100 हर्ट्ज़ का सपोर्ट इसमें है मॉनिटर में, तो हम यहाँ पर इसको 100 हर्ट्ज़ पे कर सकते हैं। अब हमने 100 हर्ट्ज़ पे कर दिया तो क्या ये लेगा, एक्सेप्ट करेगा? हाँ बिल्कुल लेगा। कीप चेंजेस, डन 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 डन। तो यहाँ पर 1920x1080 100 हर्ट्ज़ पर हमको अब शो कर रहा है। और सेम वही अब यहाँ पर भी अगर हम देखें कि 100 हर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी हमारी दिख रही है, ठीक है। तो अब वो जो आर्म का वीडियो के बारे में मैंने बताया था, जो मॉनिटर का आर्म है, तो अभी ये मॉनिटर जब नया दूसरा आएगा अगर उसमें ये इशू नहीं रहा तो डेफिनेटली मैं वो वहाँ पर उसको फिटिंग करूँगा, तो उसका वीडियो भी आप लोगों को तभी के तभी बना के दिखा दूंगा। फिलहाल तो मैं इस मॉनिटर को वापस से पैक करके रिटर्न में डालता हूँ। तो वो जो मॉनिटर पुराना था वो तो बदल दिया मैंने, मतलब एक्सचेंज में डाल दिया था, और ये नया मॉनिटर आया है और इसमें आप देख सकते हो वहाँ एसर के ऊपर कोई लाइट लीक नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर महसूस हो रही है, इसमें सब कुछ A1 तरीके से चल रहा है। मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ ये मॉनिटर को आप ले सकते हो, बट बस वही चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आप वो टेस्ट करके देखना, अगर उस टेस्ट में कहीं पर भी आपको लाइट लीकेज या कोई भी उस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है तो भैया उसको एक्सचेंज में डालें, और अगर एक्सचेंज होने के बाद भी वो इशू आता है तो दोबारा उसको एक्सचेंज में डालें। क्योंकि देखिए मैंने एक्सचेंज किया और मुझको सही प्रोडक्ट मिला। अगर मैं वो कंसिडर कर लेता, अरे चलो ठीक है थोड़ी सी लाइट ही तो आ रही है कोई बात नहीं है, अक्सर लोग कर लेते हैं ऐसा, बट वो नहीं करना चाहिए। हमने पूरे पैसे दिए हैं, हमको हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही चाहिए, क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो बस चाहिए, काम खत्म। कंपनी ने बनाई ये चीज तो पैसे पूरे ले रहे हो, तो भाई चीज भी पूरी ही चाहिए ना हमको। तो ये चीज जो है वो एक ध्यान रखने वाली है, तो वो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आप लोग को फिर से याद दिला दूं। और अब यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।